हेलो स्टूडेंट्स, हाय फिफ्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर पारुल फ्रॉम पीएस एकेडमी। टुडे आई एम सॉल्व योर फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग। नाउ गुड मैनर्स चैप्टर फर्स्ट। वर्ड कंट्रीज मीन्स देशों में। ग्रीट GREET ग्रीट मीन्स अभिवादन। मॉन्क्स मीन्स भिक्षुओं। ट्रेडिशनल TRADITIONAL ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक। कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज। पोलाइट मीन्स विनम्र। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। थॉट मीन्स विचार। लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं। कम्युनिटीज मीन्स समुदाय। मैनर्स मीन्स तौर तरीके। इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव। रिवरेंड मीन्स आदरणीय। अमेज्ड मीन्स स्तंभित। कॉन्फिडेंटली मीन्स आत्मविश्वास के साथ। कंपैशन मीन्स सहानुभूति। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। वॉट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते। नमस्ते का क्या अर्थ है? वेन अ पर्सन ग्रीट्स अनोदर ही ब्रिंग्स द पाल्म्स ऑफ हिज हैंड टूगेदर, दैट इज कॉल्ड नमस्ते। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड ऑफ संस्कृत, नमः एंड टी, विच मीन्स आई बो टू यू। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो वह अपने हाथों की दोनों हथेलियों को जोड़कर चेस्ट के सामने रखकर अभिवादन करता है, इसे ही हम नमस्ते कहते हैं। और ये नमस्ते जो है दो वर्ड से मिलकर बना है संस्कृत के, नमः और ते। ते टी मीन्स होता है आई बो टू यू, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूँ। नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज अ हैंडशेक एक्सप्रेसेस। हैंडशेक मीन्स हाथ मिलाने का क्या एक्सप्रेस करता है, क्या प्रदर्शित करता है हमें एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना। A handshake expresses warmth of heart and friendliness. जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वह हमारी फ्रेंडलीनेस, मतलब हमारी फ्रेंडशिप, जो हमारी मित्रता है, उसको दिल से स्वागत करते हुए प्यार के साथ अभिवादन करना कहलाता है। What are indoor sleepers? Indoor sleepers are the sleepers which move about in the house. इंडोर स्लीपर्स जो होती हैं वो वह स्लीपर्स होती हैं जिनका हम घर में अंदर पहनकर घर में काम करते समय प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंडोर स्लीपर्स। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाई डज अ गेस्ट इन चाइना नॉट फिनिश हिज ड्रिंक। चाइना में जो गेस्ट होते मेहमान, वो अपना पीने का कोई भी पेय पदार्थ पूरी तरह से खत्म या समाप्त क्यों नहीं करते हैं। इन चाइना, चाइना में गेस्ट नेवर फिनिशेस देयर ड्रिंक, ही लीव्स लिटिल टू शो। वे थोड़ी सी चाय या कॉफी कप में इसलिए छोड़ देते हैं, दैट ही हैज बीन सर्व्ड इनफ एंड मोर, कि आपके द्वारा हमें बहुत अधिक और अच्छे से पेश किया गया या हमें दिया गया और हमारे, मतलब हमारी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की गई। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ डिड द ब्लाइंड मैन नो ही वॉज टॉकिंग टू द किंग। द ब्लाइंड मैन नो, ब्लाइंड मैन जो है वो कैसे जानता था कि वो राजा से बात कर रहा है। द ब्लाइंड मैन नो थ्रू हिज स्पीच, जो मूढ़ा आदमी, जो ब्लाइंड मतलब अंधा आदमी था, वो राजा के बोलने के तरीके से जान गया, दैट ही वॉज टॉकिंग टू द किंग, के वह एक राजा से बात कर रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स मेक योर कॉपी एंड डू योर फर्स्ट चैप्टर फिफ्थ क्लास इन योर कॉपी, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू हार्ड वर्ड्स, अंडरलाइन द स्पेलिंग्स विच इज हार्ड एंड राइट देम 10 स्पेलिंग्स इन योर कॉपी। आफ्टर दैट यू डू वर्ड मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर, एंड राइट वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। आप जो भी, सबसे पहले आप एक कॉपी बनाएंगे इंग्लिश की फिफ्थ क्लास, और उसमें आप जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी स्पेलिंग डिफिकल्ट हैं, उनको आप 10 स्पेलिंग्स कॉपी में लिखेंगे हार्ड वर्ड्स लिखकर। उसके बाद आप वर्ड मीनिंग करेंगे और देन राइट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड लर्न दीज वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर केयरफुली। बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।